بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تیری شان اما نوالہو
جلالہو اللہ جل جلالہو تیری شان امبا نوالہو تیری شان امبا نوالہو اللہ جل جلالہو اللہ جل جلالہو ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہو اور جو حساب سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہو اور میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہو اللہ جل جلالہو تیری شان اما نوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جہاں جہاں تک میٹرو ٹی وی کو دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر اور فائزہ کی جانب سے السلام علیکم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور سحر آر کے ایس پروڈکشن میٹرو ون کی تعاون سے آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے اور ماشاء اللہ سب سے پہلے قاری محمد زبیر صاحب جو کہ ہمیشہ خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج فائزہ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر کے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آخرت کی بھی زندگی ہے جب آنکھیں بند ہوگی اور آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت نامہ اعمال کس ہاتھ میں ہوگا سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا وہاں پھر فیصلے کی کڑی ختم ہو جائے گی سیدھے ہاتھ میں ہیں آسان منزلیں الٹے ہاتھ میں ہیں مشکل ترین مراحل اور وہاں کا اگر کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہیں تو دنیا کی 1% بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جہنم کی آگ اور ساتویں درجے کی آگ
अगर आप उसका तायुन भी करें तो शायद हमारी अकल कासिर हो जाएगी। तो बस यही बात अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में भी समझाता है कि लौट आओ, बेरारवी छोड़ दो, मुनाफा खोरी वो जो कि किसी के हक काट दे उसको ख़त्म करो। रमज़ान आता है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, लोगों की रसाई ख़त्म हो जाती है। आप अगर किसी फ्रूट वाले के पास भी जाते हैं तो उनका जो इखलाक है वो बद इखलाक हो जाता है। लेना है लो, नहीं लेना साइड पर हो जाओ। भाई रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, इखलाक बेहतरीन अमल है कि आपका इखलाक ही आपको दुनिया से जाने के बाद याद रखता है। और इसी के साथ मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, फिर हम फायज़ा की तरफ चलेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो हमदे बारी ताला पढ़ी है, तो अब मैं चाहूँगा कि मैं फायज़ा से भी बात करूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इखलाक बेहतर करें, अल्लाह ताला अमाल को बेहतरीन बना देगा। अस्सलाम वालेकुम फायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ की जाए तो आप लग भी बहुत खूबसूरत रही हैं, और जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आपने प्रोग्राम का आज आगाज किया है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से राव भाई ने कहा कि फलस्तीन के नाम है ये ट्रांसमिशन, हम डेली बेसिस पर कहते चले आ रहे हैं, तो आज शायद इस हम्द का असर आप पर हुआ होगा, क्या कहेंगी फायज़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ जहाँ तक भी स्क्रीन पे आप लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपनी बज़ नूरे सहार में, जो कि सहरी ट्रांसमिशन आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से रोज़ाना आपके लिए सजाई जाती है। और मुझे बहुत सारी, चूँकि निशान आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी सालों से मेरा ताल्लुक नात से ही है, नात की फील्ड से है, तो मुझे जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे दोस्त अहबाब और जो भी लोग मुझसे मुतालिका हैं उनके आने लगे कि आप नात भी पेश करें। तो अब चूंकि मुझे दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि अपने उन तमाम दोस्त अहबाब और जो मेरे जो भी फेसबुक फॉलोअर्स हैं उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए जो उनकी फरमाइश को आज मैं पूरा करूँ और नात से या हम से जो है वो आगाज़ करूँ। बिल्कुल जी। जहाँ तक बात फ़लस्तीन की आपने की, तो वो तो ऐसा ज़िशान गम है कि हर वक्त जहनों में रहता है, हर वक्त दिल के करीब रहता है। आज भी मैंने एक वीडियो देखी तो बहुत मेरा दिल दुखा, और आप यकीन करें उसके बाद मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था कि वहाँ जो लोग हैं उनके पास इफ्तार और सहरी के लिए कुछ मैसर नहीं है, और वो लोग घास को उबाल के और उसका सूप बना के वो लोग पी रहे हैं। आप तसव्वुर करें अगर हम या हमारे बच्चे इस मकाम पे आ जाएं सिर्फ एक दिन के लिए भी, तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, हमारे ऊपर क्या बीतेगी, ना कि वो लोग कई हफ्तों से महीनों से इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक से बेहद दुआ है, बेहद दुआ है, जो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने हाथों को उठाइए। रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक मज़ीद नज़दीक हो जाता है आपसे, वैसे तो वो आपकी शहरक से करीब है, हर वक्त 24 घंटे आपके साथ है, मगर रमज़ान में कुछ और नज़दीक हो जाता है। तो खुदारा अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआ कीजिए अपने उन मज़लूम मासूम बहन भाइयों के लिए जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो अपने मासूम बच्चों के जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है फायज़ा। और इसी के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने मेहमानों को आपसे मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाजिर खिदमत हैं आपके लिए सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहार लेकर, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक पेश की जाती है। और मैं और ज़िशान जो है वो आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी इस सहरी ट्रांसमिशन में तआवुन किया और इसको मुमकिन बनाने में हमारा साथ दिया। पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर वन टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाइए। रबते के लिए स्क्रीन पर आपको इनका नंबर और वेबसाइट एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। प्रॉपर्टी की दुनिया में इतमाद का नाम हब ऑफ प्रॉपर्टी, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव मदिया स्टॉप नॉर्थ कराची के नज़दीक, कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से जायद लजीज और मज़ेदार खाने दस्तियाब होते हैं। अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर, वाइटल टी एक्वा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम हया नूर अबायास, और आज के अगर हम वार्डरोब की बात करें तो वाना ऑफिशियल क्लॉथिंग की जानिब से आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया गया है। इनकी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज़ हैं, आप वहाँ जाके विज़िट करें और अपने लिए खूबसूरत जोड़े जो है वो घर बैठे आप मंगा सकते हैं। और इसके अलावा ब्लू बैंड,
जबरदस्त। इसी के साथ जो हमारे मेहमान हैं हम उनको दे नहीं करवाएंगे क्योंकि मेहमान रहमत होती है। तो शफकत अली तारा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदेद कहते हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रमीज कादरी, जो कि मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और मेरी ही चैनल से वाबस्ता। अस्सलाम वालेकुम रमीज, कैसे मिजाज है भाई, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। इसी के साथ बहुत प्यारी सी जैनब आदिल, जो कि नाथखवा है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर कारी उबैदुल्ला साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सलाम अलैकुम। शफकत साहब की तरफ आते हैं। शफकत साहब, जब वेलफेयर इंसान चला रहा होता है ना, ये वेलफेयर का नाम अटैच होता है, तो हर किसी का एक ही माइंड में आता है कि या तो ये राशन देगा या ये दस्तरखान लगवाएगा या किराए वगैरह की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा या मेडिसिन के ऊपर हमें जो है वो कहते हैं ना हमें मदद करेगा। अच्छा, मसला ये कि महंगाई होती चली जा रही है तो महदूद चीजें, कहते हैं ना कि जहां आप दो स्ट्रिप्स डालते थे वो ढाई स्ट्रिप की एक स्ट्रिप आ रही है, तो मुश्किल से बंदा एक स्ट्रिप ही डाल सकता है दवाई की भी। तो मुझे ये बताएं कि अब जो महंगाई का तूफान जिस तरीके से आया, तो क्या डोनर्स आपके पास बढ़ते चले जा रहे हैं या डोनर्स कम हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मसले मसाइल है? नहीं, पहले तो ये कि हमारा अदारा पिछले 12 साल से अपनी मदद आप चल रहा है, सही, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन जावेद छतारी साहब है, ब्रिगेडियर डिप्टी हैं हमारे करार हुसैन साहब, अरशद कुरैशी साहब हैं। हमने फंड नहीं कभी लिया और ये अल्लाह का काम है। हमने जो प्रोग्राम सोचते हैं वो अल्लाह ताला खुद मदद करता है, क्योंकि काम अल्लाह कर रहा होता है, हम तो सिर्फ जरिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि राशन की भी तकसीम करते हैं, कपड़ों की भी करते हैं, बच्चों की शादियाँ भी करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी अचानक एक बच्ची की शादी थी तो मैं एक बड़ी टेंशन में था, DIG ऑफिस से निकला तो उन्होंने कहा, बाहर खड़ी थी एक फैमिली, बोला हमारी बच्ची की शादी है, आपसे बड़ी तवक्को है। तो वक्ती तौर पर मुझे दो मिनट के लिए गुस्सा भी, मैंने कहा यार शादी 10 लाख का बजट है। और लेकिन जब मैंने घर गया, उस बच्ची के फ़ोन आए, मैंने अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन किया, तो अल्लाह का शुक्र 15-20 लाख में उस बच्ची की शादी की, अल्लाह ने की, हमने नहीं की। तो ये जब अल्लाह के काम अल्लाह खुद कर रहा होता है तो टेंशन नहीं होती। और हमारा मिशन तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि हमने, हमारा अदारा बगैर सैलरी के काम करे, फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका जा रहा हूं अकाउंट खोलने, तो कभी टेंशन नहीं हुई ना पैसे की ना कभी किसी चीज़ की। यानी कि जो सोचा है वो अल्लाह पाक खुद मदद करता है, हमारी तवक्को से भी ज्यादा अच्छा देता है। और एक चीज और है ना निशान, कि जब आपकी नियत अच्छी होती है ना अच्छे काम करने की, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद राहें बनाता चला जाता है। तो आपकी नियत जब अच्छी होगी तो कोई मुश्किल नहीं आएगी यकीनन। बिल्कुल। एक चीज और भी होती है ना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर बेटी थी, आपने बेटी को इज्जत दी, आपने बेटी की शादी करवाई, अल्लाह ताला क्यों नहीं मदद करेगा। और अभी नमाज हो रही है हमारी अल मरकज़े इस्लामी में, माशाल्लाह, तकरीबन वो सैलमा था, मैंने उसे बंद करा के अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह का घर ही था माशाल्लाह। और मजे की बात है की माशाल्लाह आज 4000 लोगों ने वहाँ तरावी पढ़ी, तो 10 तरावी तक हम कर रहे हैं और ये सारे काम अल्लाह कर रहे हैं। 10 रोजा तरावी, जी 10 रोजा तरावी अल मरकज़े इस्लामी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तरावी शुरू होने से पहले सोच रहा था किस तरह करूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मजीद ज्यादा लोगों और अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह। तो अल्लाह के काम में बरकत बढ़ी है, बिल्कुल, बहुत बरकत। अल्लाह के काम में आप जितना एक कदम बढ़ाते हैं अल्लाह 10 कदम का रास्ता खोल देता है, बेशक बेशक। तो यही चीज हम साथ, रमीज कादरी हमारे साथ मौजूद है जो कि शायर भी है। मुझे ये बताओ रमीज के आप जो हो वो शायर कौन से हो, इश्के हकीकी वाले या इश्के मिजाजी वाले? और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेट्रो वन का बेहद शुक्रिया कि मुझे इस ट्रांसमिशन में आने का मौका मिला, इस पुरनूर ट्रांसमिशन में। और रही बात शायरी की, तो मैं कुछ नमाज के हवाले से भी लिख चुका हूँ, नाते रसूल मकबूल भी लिखता हूँ और अहले बैत अतहार की शान में भी लिखा है, माशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि अहले बैत अतहार की शान में लिखने के लायक हो तो बंदा कुछ लिखे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद को इस काबिल समझे कि अगर लफ्ज़ों की, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि अहले बैत अतहार की शान में शेर कहते वक्त अगर मैंने कोई एक हल्का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया तो मैं ईमान से निकल जाऊँ, क्योंकि ईमान नाम ही अहले बैत की मोहब्बत और अदब का है। अगर मैं अहले बैत की शान में कुछ लिखता भी हूँ तो बहुत अदब व एहतराम के साथ, के जैसे मैंने एक मुशायरे में जब मुझे बुलाया गया तो वो अहले बैत अतहार की शान में मुशायरा था, तो मुझे
कहा गया कि आपने कुछ लिखना है, तो मैंने कहा भाई मैं लिखूंगा, तो मैंने अपने उस्ताद की सरपरस्ती में बैठकर फिर वो लिखा। और मैंने क्या लिखा, इल्हामी होता है, अल्लाह लिखवाने वाला है, ऐसा ही है। तो वो शेर था कि दो शेर में पेश कर दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है नूर अला नूर घराना हुसैन का, बेशक क्या बात है, नूर अला नूर घराना हुसैन का, दीवाना है ये सारा जमाना हुसैन का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर शख्स उस घराने का आली मकाम है, नबियों का है सरदार वो नाना हुसैन का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है नूर अला नूर जमाना, है नूर अला नूर घराना हुसैन का, तू ही नहीं रमीज फकत चाहने वाला, तू ही नहीं रमीज फकत चाहने वाला, गुलाम है ये सारा जमाना हुसैन का, सुभान अल्लाह, गुलाम है ये सारा जमाना हुसैन का, है नूर अला नूर घराना हुसैन का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर हमारी यूथ में अगर ये जज्बा मौजूद है तो निशान मैं कहती हूँ बड़ी मुबारकबाद घड़ी, बड़ी मुबारक घड़ी है, और मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि आपने इस तरफ भी कुछ पेश कदमी की, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे साथ जो है वो ज़ैनब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसी सिलसिले को हम जारी रखें, और उसके फौरन बाद एक खूबसूरत सा कलाम मैं चाहूँगी ज़ैनब बदी लाखानी जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी आवाज़ में पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी
देता है संसार, कृपा करो सरकार, मैं मेली तन मेला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनब आबिद, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। इसी के साथ मैं कहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर राव करामत, जो कि स्क्रीन से एक तो आउट हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और मैं ये कहूँगा कि जो भी देखने वाले उनके लिए दुआ करें कि मेरा भाई वाकई में नज़र में है और आवाज़ उनकी निकल नहीं पा रही और डे बाई डे डाउन होती चली जा रही है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप सब ने जब भी दुआ करनी है तो राव करामत सनागर को अपनी दुआ में ख़ास याद रखना है। इसी के साथ हम अब रमीज़ की तरफ आएंगे और रमीज़ भी हमें कलाम सुनाएंगे। उससे पहले ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है जी रमीज़, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपका कलाम लेंगे। इसी के साथ एक वक्फा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन लेकर, जिसमें आप हमारे साथ शामिल रहते हैं 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। और हम एक मरतबा फिर चलते हैं अपने मेहमाना ने ग्रामी की जानिब और रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रमीज़ से दरख्वास्त करूँगी कि वो भी एक नात के कुछ अशार शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, रमीज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया जी फैज़। और अब मैं चाहूँगी शफकत अली तारा साहब से कुछ बात करना और उनके अवार्ड शो के हवाले से, जो कि अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही बहरी ऑडिटोरियम में बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम हुआ ही पाकिस्तान हीरो अवार्ड के हवाले से। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी, तो आप कुछ हमें बताएं इस बारे में।
असल में ये जो अवार्ड है 2018 में है, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में किया था। अच्छा। और ये मस्जिद का जो मैंने अल मरकज इस्लामिया केस लड़ा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एज ए हीरो अवार्ड दिया माशाल्लाह, और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो मैंने कहा हीरो मैं नहीं, हीरो बहुत हैं जी। जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, जिसका अखलाक अच्छा है, जो लोगों की मदद करता है, असल हीरो वो है जो पाकिस्तान की खिदमत करता है। तो इस अवार्ड को हमने पाक फौज, रेंजर्स, ISI, MI, मीडिया, फनकार, सहाफी, जो लोग NGOs, जो लोग खिदमत कर रहे हैं, वो सब हीरो हैं जी। बिल्कुल। तो इस अवार्ड को, अवार्ड तो असल में प्रेशर इतना होता है, 50 अवार्ड थे, प्रेशर में 100 हो गए, और अभी मजीद लोगों ने कहा कि भी आपको सिर्फ वही नजर आए, हम हीरो नहीं है। अच्छा। तो इसको मैं कंटिन्यू इस प्रोग्राम को तकरीबन मैं चाहता हूँ कि एक साल तक ये प्रोग्राम है, कितने हीरोज हैं। अच्छा। जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उसमें नात ख्वां भी हैं, बहुत सारी शोबे हैं, तो उन लोगों को अवार्ड दिया जाए। तो ये कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह, इसको 20 रोजे से किसी न किसी टीवी के चैनल पे ऑन एयर करेंगे इंशाल्लाह, जरूर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और इसी के साथ रमीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ हम जो क्या कहते हैं, हमारे कारी उबैदुल्लाह साहब हैं, आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम कलाम सुनना चाहेंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पल पल को से सजदे टपक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर, हमको इक़बाल जब भी इजाजत मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और अब हमें चुके कहा जा रहा है ब्रेक का कहा जा रहा है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।